कोरोना वायरस के बढ़ते बार और कोरोना किस तरीके से तदरीसी अमल में खलल डाल रहा है, इससे मुतालिक आपको आगाह करें कि आज़ाद कश्मीर कोटली में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा है। डिप्टी कमिश्नर ने जीयू से गुफ्तगू करते हुए लोगों से अपील की है कि अवाम घर में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा। जी गुलाम मुर्तज़ा बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में कोरोना वायरस के दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। एंट्री पॉइंट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर आजम सालने की कोशिश करेंगे। सर, अच्छा आप हमें ये बताएं कि मज़ीद एक कोरोना वायरस जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इकदाम हमें करने होंगे कि इसे कंट्रोल किया जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एजेके गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया हुआ है और यहाँ पे तमाम जो हमारे बाज़ार मार्केट्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बंद किया गया है। सरकारी जो हमारे दफातर हैं वो भी 50% अपने स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका भी कहना है कि आवाम को भी चाहिए कि हमारे साथ मज़ीद तआवुन करें ताकि हम इस पर कंट्रोल कर सकें। जी आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि